जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आज भी बहुत से मनुष्य शिव जी की पूजा में गलती करते हैं। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती तो स्त्रियां यही करती हैं कि अपने हाथ से शिवलिंग को रगड़ती हैं, जबकि शिव जी को, शिवलिंग को विशेष तौर से स्त्रियों के द्वारा नहीं छूना जाना चाहिए और शिव जी के ऊपर तांबे के लोटे में दूध भर के जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर तांबे के लोटे में दूध भर के दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और शंख जो होता है उसमें भी दूध भर के शिव जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कई जगह मैंने देखा है अपनी आंखों से, तभी फिर ये बोलने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि मंदिरों में अधिकांशतः तांबे के लोटे हुआ करते हैं। बहुत से मनुष्य पॉलीथीन के अंदर दूध लेकर के आते हैं, तांबे के लोटे में भरते हैं और भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ा देते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति करते हैं उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती, उल्टा उन्हें कष्ट की प्राप्ति होती है। तांबे के लोटे में दूध भर के या शंख में दूध भर के भोलेनाथ का अभिषेक नहीं किया जाता है। भोलेनाथ के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, कुमकुम लाल कलर का कुमकुम भी नहीं चढ़ाया जाता है और लाल कलर का पुष्प भी नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसे जासून का पुष्प कहते हैं। भोलेनाथ के ऊपर जो है नारियल चढ़ाने के बाद फोड़ा नहीं जाता है, तो ये गलतियां बिल्कुल न करें और शिवजी की पूजन अर्चन करते रहें। जय माता दी।